वेलकम टू डिफेंस डायनामिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे MiG-21 के बारे में, एक फाइटर एयरक्राफ्ट जो रिसेंटली क्रैश हुआ पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट में, और हमने इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी को खो दिया। जानेंगे क्या है MiG-21, क्यों इतने MiG-21 क्रैश हो रहे हैं, क्यों अब तक इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को डिकमीशन नहीं किया, और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए। MiG-21 एक सोवियत यूनियन ओरिजिन का सिंगल इंजन सिंगल सीटर फाइटर और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 2.1 यानी 2230 किलोमीटर पर आर की है। ये एक 23mm ट्विन बैरल कैनन और 4 R-60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल से इक्विप्ड होता है। इंडिया ने 1961 में MiG-21 खरीदने का फैसला किया। इंडिया को सारे टेक्नोलॉजीज, लोकल असेंबली और प्रोडक्शन के राइट्स दिए गए। इंडियन एयरफोर्स ने 1964 में MiG-21 को पहले सुपरसोनिक जेट के फ्लीट के तौर पर इंडक्ट किया था। 1971 के वॉर में पहली बार सब कॉन्टिनेंट में सुपरसोनिक एयर कॉम्बैट देखा गया, जब एक इंडियन MiG-21 FL ने पाकिस्तानी 104A स्टार फाइटर को अपने GSH-23 ट्विन बैरल 23mm कैनन से मार गिराया था। उस वॉर में इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 FLs ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के 4 F-104A, 2 शेनयांग F-6, 1 नॉर्थ अमेरिकन F-86 सेबर और 1 लॉकेट C-130 हर्क्यूलिस मार गिराया था। कारगिल वॉर के बाद 10 अगस्त 1999 को एयरफोर्स के 2 MiG-21 FLs ने पाकिस्तानी नेवल एयर आर्म्स अटलांटिक मैरिटाइम एयरक्राफ्ट को एक R-60 मिसाइल से मार गिराया था, जब वो सर्विलेंस के लिए इंडियन एयर स्पेस में आ गया था। हाल ही की बात करें तो 2019 में हुए डॉग फाइट में MiG-21 ने एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, जो कि एक एडवांस जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसी ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 भी क्रैश हो गया था। अब जानते हैं आखिर MiG-21 क्रैश होते क्यों हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जिसमें से एक है MiG-21 का इंजन और डिज़ाइन। MiG-21 का R-25 इंजन बहुत ही आसानी से फ्लेम आउट हो जाता है, अगर आफ्टर बर्नर्स को ठीक से ऑपरेट ना किया जाए तो। इसका एयर इनटेक नोज से होने के कारण हायर जी पुल करने में भी इंजन फ्लेम आउट हो सकता है, और दोबारा इंजन स्टार्ट करने का प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। सिचुएशन और भी चैलेंजिंग बन जाती है जब डेल्टा विंग होने की वजह से ज़्यादा ड्रैग क्रिएट होता है, जो इस सिचुएशन में स्पीड भी बहुत तेज़ी से कम करता है। पायलट के पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है इंजन को दोबारा स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा MiG-21 की हाई अप्रोच स्पीड, जो कि 340 से लेकर 360 किलोमीटर पर आवर है, लैंडिंग को चैलेंजिंग बना देती है। इसके वजह से भी काफ़ी क्रैशेस हुए हैं। इमरजेंसी में मिग को ऊपर की ओर ले जाने से पहले पायलट्स को कंट्रोलिंग स्टिक को सामने की तरफ पुश करके रखना पड़ता है एनर्जी बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद ही वो स्टिक को पीछे लाके एयरक्राफ्ट को ऊपर ले जा सकते हैं। ये बहुत ही डेंजरस है जब ऐसी सिचुएशन कम हाइट पर ऑपरेट करते हुए आ जाए, क्योंकि तब पायलट्स के पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो एक्शन कम्प्लीट कर पाए। MiG-21 बाइसन में KM-1M इजेक्शन सीट यूज़ होती है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर इसे ग्राउंड लेवल पर इजेक्ट करना हो तो स्पीड 75 से 280 नॉट्स के बीच होनी चाहिए। अगर स्पीड 280 नॉट्स से ज़्यादा है तो 100 फीट की हाइट पे ही जाके इजेक्ट कर सकते हैं। यही रीज़न है लो लेवल्स पे पायलट की कैजुअलिटीज़ का। मोगा में हुए क्रैश में भी इजेक्शन सीट से आई इंजरीज की वजह से कैजुअलिटी हुई है। दूसरा बड़ा कारण है MiG-21 की एज। 1964 में इंडक्ट हुए MiG-21 काफ़ी पुराने हो चुके हैं। MiG-21 FL को 2013 में डीकमीशन कर दिया गया 50 साल की सर्विस के बाद, लेकिन MiG-21 Bison अभी भी सर्विस में है। HAL ने लास्ट MiG-21 BIS 1985 में मैन्युफैक्चर किया था। 1990s में मिड लाइफ अपग्रेडेशन के बाद भी एज फैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एयर फ्रेम वही है जो 1964 में था। हर मशीन की एक एज होती है और इससे परफॉर्मेंस और सेफ्टी पर असर पड़ता है। तीसरा बड़ा कारण है फॉल्टी सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट्स। रशिया बहुत पहले ही MiG-21 का प्रोडक्शन बंद कर चुका है, और इंडियन एयरफोर्स को मिग्स को ऑपरेशनल रखने के लिए सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट्स खरीदना पड़ता है यूक्रेन और इसराइल से। रशिया ने कई बार इसको लेके वार्निंग दी है कि सेकेंड हैंड स्पेयर पार्ट्स भी क्रैश होने का कारण बन सकते हैं। 840 MiG-21s में से आधे से ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं। 2003 से 2013 के बीच 38 MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए। ऑफिशियल डेटा ये भी बताता है कि अब तक इंडियन एयरफोर्स 170 पायलट्स को खो चुकी है इन क्रैशेस में। अब जानते हैं क्यों अब तक इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को डिकमीशन नहीं किया है।
MiG-21 आज भी यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट्स है ही नहीं जो 21s को रिप्लेस कर दे। अगर सारे MiG-21s को अभी डीकमीशन कर दिया जाए तो इंडिया की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और इसी रीज़न से MiG-21 अभी तक सर्विस में है। इंडियन एयरफोर्स कई सालों से नए एयरक्राफ्ट की डिमांड कर रही है। रफाइल और तेजस का इंडक्शन पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है लेकिन वो भी काफ़ी नहीं है। तेजस का फास्ट प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिक्स की कंडीशन को देखते हुए। इंडियन एयरफोर्स LCA तेजस के अलग अलग वेरिएंट्स को इंडक्ट करेगी पुराने MiG-21s को रिप्लेस करने के लिए। एयरफोर्स की ज़रूरत को देखते हुए फरवरी 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL को 48,000 करोड़ दिए 83 LCA MK-1A तेजस जेट्स के लिए, लेकिन इसकी भी एस्टिमेटेड सप्लाई 2030 तक होगी जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है इंडियन एयरफोर्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने बहुत से काबिल पायलट्स खोए हैं MiG-21 क्रैशेज में, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बुरी प्लानिंग और इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स में हुई देरी का रिजल्ट है। MiG-21 ने टाइम का एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट रहा है और 50 साल से ज़्यादा की सर्विस दे चुका है। जो एयरक्राफ्ट 1950s में डिज़ाइन किया गया हो उसे अभी की टेक्नोलॉजी और सेफ्टी से कंपेयर नहीं किया जा सकता और इसीलिए MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहना गलत होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।